नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है मास्क धर्म में पशुपति व्रत कैसे करें। पहले बात करते हैं मास्क धर्म में क्या पशुपति व्रत रख सकते हैं या नहीं। मास्क धर्म में आप पशुपति व्रत रख सकते हैं, क्योंकि पशुपति व्रत लगातार 5 करने होते हैं। इन व्रतों को बीच में छोड़ना नहीं होता है। अगर आप इस व्रत को बीच में छोड़ देंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएंगे, इसलिए आपको इस व्रत को पीरियड में भी करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्या पीरियड में हम पूजा कर सकते हैं या नहीं। पीरियड में आप व्रत रख कर पूजा नहीं कर सकते। हाँ, आप मानसिक पूजा कर सकते हैं या फिर घर के किसी और सदस्य से भी पूजा करवा सकते हैं। खुद ने पूजा नहीं करनी है, ना ही आपने मंदिर जाना है, ना ही आपने दीप जलाने हैं, ना ही प्रसाद के हिस्से निकालने हैं। अगर आप किसी और से भी पूजा करवाएंगे तब भी आपका व्रत जी गिना नहीं जाएगा। आप अध्यापन हम 5वें सोमवार को करें या 6वें सोमवार को करें। मास्क धर्म में आप अध्यापन 6वें सोमवार को ही करें। 6वें सोमवार को भी तब ही करें जब आप पूरी तरह शुद्ध हों। अगर आप शुद्ध नहीं है 6वें सोमवार को भी तो आप व्रत का अध्यापन ना करें। व्रत का अध्यापन पूरी शुद्धता के अनुसार ही करें। अब बात करते हैं मास्क धर्म में कितने दिनों के बाद हम पूजा कर सकते हैं। वैसे तो आप 5वें दिन पूजा कर सकते हैं, 4थे दिन आप बाल धोएं और 5वें दिन आप पूजा में शामिल हो सकते हैं। परंतु कई महिलाएँ 5वें दिन पूरी तरह शुद्ध नहीं होते। अगर आप 5वें दिन भी शुद्ध नहीं हैं तो आप पूजा में शामिल ना हों। पूजा में जब भी शामिल हों पूरी तरह शुद्ध हों। इसके बाद हम बात करते हैं क्या मास्क धर्म में हम बाल धो सकते हैं या नहीं। मास्क धर्म में आप बाल ना धोएं। अगर मास्क धर्म में हम मानसिक पूजा कैसे करें। मास्क धर्म में आप मानसिक पूजा मन में ही करनी होगी। बिना होठों को हिलाए ही आपने पूजा करनी होगी। इस तरीके से आपने मास्क धर्म में पूजा करनी होगी। इस तरीके से आपने मास्क धर्म में व्रत रखनी होगी। इन नियमों का आपने पालन करना होगा, तभी तो आपको व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।